वो मिल जाएंगे, रिलैक्स हो जाओ। मुझे डर लग रहा है कहीं उन्हें कुछ हो ना गया। यार कुछ नहीं हुआ होगा। कुछ पता चला? ठीक है, मैं जमील के पास जाती हूँ। क्या, कहाँ जा रही है? पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। फकरी साहब की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो कैसे मिलेंगे? फकरी साहब को हम सब जानते हैं, वो जरूर अपने किसी दोस्त के घर होंगे। आई एम श्योर बहुत जल्द घर आ जाएंगे। जमील, मेरे बाबा का ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो उन्हें अपने घर पर रखे। इस दफा वाकई खो गए हैं वो। जी मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन आप जानती तो हो अपने बाबा को। लास्ट ईयर वाली बात भूल गई क्या? इसी तरह आप लोग परेशान घूम रहे थे उन्हें ढूंढने के लिए। याद है सब जगह ढूंढने के बाद वो कब्रिस्तान में मिले थे, और कितनी बार तो मैं खुद उन्हें घर छोड़ के गया। तुम जानते हो ना, अपना कार्ड छोड़कर कहीं नहीं जाते वो, और खास तौर पर उस दिन जिस दिन उनकी सैलरी आनी हो। चलें ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये लो सर्व कर दो और लाओ मुझे अपना फोन दो। चलो चलो जल्दी करो। हेलो तुरान, तुम कौन बात कर रहे हो भाई? याले कहाँ है? मैं रहमत बात कर रहा हूँ। अच्छा तुम हो रहमत, मेरा फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है यार? तुम्हें मालूम तो है बाबा को तलाश कर रहे हैं, इसीलिए मुझे याले ने फोन दे दिया था। एक तो मैं तुम्हारे बाप से तंग आ चुका, मुझे फोन लाकर दो। मेरा हद हो गई है, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आनी है, जल्दी लाकर दो। हाँ हाँ ला रहा हूँ तुम्हारा फोन, वैसे भी तुम्हारे फोन की मुझे कोई जरूरत नहीं। क्या हुआ? उसको फोन चाहिए अपना, जैसे हम फोन लेके भाग जाएंगे उसका। ऐसा लग रहा है जैसे एलियंस ने अगवा कर लिया उसे। ये लो, ये रहा तुम्हारा फोन, इसे अपने पास रख लो और आइंदा किसी को मत दे। तुरान भाई, हम यहाँ पे इतनी मुसीबत में अपने बाबा को तलाश कर रहे हैं और आपको फोन की पड़ी है, हद हो गई आपसे तो। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया मैंने? यार मैं तो तुम लोगों के भले के लिए बात कर रहा हूँ, वरना फोन का क्या है? ये लो, उसका नाम फखरी है, वो कहीं नहीं जाएगा, वापस आ जाएगा, परेशान क्यों हो रहे? आज महीने की 25 तारीख है तुरान भाई। 25? तनख्वाह का दिन? क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो अपनी तनख्वाह का दिन भूल जाए? हाँ, वो जो नई बिल्डिंग बन रही थी वहाँ से एक लाश मिली है, अभी तक वो लाश पहचान में नहीं आई कि किसकी। पहुंचो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? किरण, तुरान भाई को कॉल करो और पूछो कुछ मालूम हुआ। तुम बिला वजह हमारे साथ परेशान हो रहे हो, अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। तुम क्या मेरे भाई आपके तो पास चलते हैं ना साथ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं उनका यही इंतजार करती हूँ। ठीक है फिर, मैं भी यही इंतजार करता हूँ। क्या क्या हुआ, रो क्यों रही हो? क्या हुआ, कुछ बोलो तो। बाबा, बाबा, बाबा क्या, ये रो क्यों रही है फरुख? मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुरहान भाई से बात करी और रोने लगी है। ऐसे रो क्यों रही हो, बताओ हमें हुआ क्या? तुरहान भाई ने बताया कि बिल्डिंग वाले मोहल्ले से एक लाश मिली है। वो तुम्हारे बाबा नहीं होंगे। तुम्हें कैसे पता? ये सच है, वो तुम्हारे बाबा नहीं हो सकते। आप हमें देख ही लीजिए, हो सकता है वो हमारे बाबा। तुम लोग आगे नहीं जा सकते। ऑफिसर, हम अपने बाबा के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज हमें जाने दें। कहा ना तुम लोग आगे नहीं जा सकते। हम देख तो सकते हैं ना। क्या आप जानते हैं कि वो कौन है? क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? प्लीज मुझे अंदर जाकर देखना, क्या पता वो मेरे बाबा। एक मिनट रुक तो जाओ फरुख। ठीक है रुक जाओ फरुख। किरण नहीं, होता है यार। फिजा, फिजा, ये लाश तुम्हारे बाबा की नहीं हो सकती। वो बाबा नहीं है हमारे। वो बाबा नहीं है, वो बाबा नहीं है। शुक्र है कि वो नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो कहाँ होंगे। देखा, मैंने कहा था। चलो सब पीछे हटो, जगह दो, एक तरफ हो जाओ। शुक्र है वो हमारे बाबा। हाँ, नहीं ये तो अच्छी ख्याल से। चलो क्या किया है तुमने? अब मुझे साफ साफ बताओ, क्या किया है तुमने मेरे बाबा के साथ? मैं लेकर गया था तुम्हारे बाबा को। कहाँ लेकर गए हो तुम उन्हें, और तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ वो ग्रीस ले गया उनको। क्या फजूल बात है, पासपोर्ट नहीं है उनके पास। हाँ उनके पास पासपोर्ट नहीं है, ये बात अच्छी तरह मालूम है मुझे, इसलिए उन्हें बैगेज में डाल के ले गया था। क्या बाबा को बैगेज में डाल के लेकर गए? हाँ क्योंकि होश में नहीं था, और मैं तो उन्हें ग्रीस ले गया, अगर कहीं और भी ले जाता तो पता भी ना चलता उन्हें।
तुमने आखिर ऐसा क्यों किया? सोचा ऐसे इंसान तुमसे दूर ही रहता। क्या कर रही है तुम? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए किया है सब कुछ। एक बाप अपनी औलाद को ऐसे कैसे टॉर्चर कर सकता है? ये हमारे घर का मसला है, तुम्हें इससे क्या? वो मेरे बाबा हैं, समझे? तुम मेरे बाबा को इसी वक्त वहां से वापस लेकर आओ। हाँ ठीक है, मैं भी चलूंगी साथ। पासपोर्ट है तुम्हारे पास? नहीं। तो वहां तुम्हें कैसे ले जाऊंगा मैं? जैसे मेरे बाबा को लेकर गए थे उसी तरह मुझे भी लेकर चलो। चलो